Chappelle Cut. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का सेशन है हमारा क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट 1st रिवीजन, क्वेश्चन नंबर 23. अ बंडल्स कंटेन 162 5 रुपीस नोट्स. हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल्स. क्या बोला है, एक बंडल कंटेन है, एक बंडल है कितने का, 162 का बंडल है जिसमें 5 रुपीस के नोट है. एक बंडल है जिसमें 162 का 5 रुपीस के नोट है. ठीक है, तो आपको बताना है कि तो वो बंडल के अंदर कितने पैसे, 5 रुपीस के 162 नोट है तो कितने पैसे उस बंडल के कंटेन के अंदर होंगे. 23. अब बंडल, या मैंने सॉल्व करके बताया आपको 23 का. अब बंडल कंटेन 162 5 रुपीस नोट. मैंने यह लिखा है एक बंडल कंटेन में 5 रुपीस के 162 नोट है. टोटल मनी इन द बंडल, तो आपको टोटल मनी बताना है बंडल्स की. तो कैसे बताएंगे, 162 और 5 रुपीस बोला है तो हमें इंटू करके देखेंगे 5 रुपीस में इसका. ठीक है, इसको डिजिट में कन्वर्ट कर लिए 5 रुपीस को. इनका इंटू करेंगे हम, 5 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31 1, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8. कितना आंसर आया, 810. मतलब उस बंडल के अंदर कितने रुपीस हैं, 810 रुपीस हैं. क्वेश्चन नंबर 24. देयर आर 8 इक्वली स्पीच लैम्प पोस्ट्स ऑन द स्ट्रेट रोड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इन 73 मीटर 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट्स प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर. क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है, 8 हमारे पास क्या है, लैम्प पोस्ट है जो जिनकी इक्वल स्पेस की दूरी पर रखे हुए हैं. ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ, तो हमको फर्स्ट से लास्ट तक का जो लैम्प है उसके बीच के दो लैम्प के बीच की डिस्टेंस बताना है. ठीक है, फर्स्ट से लास्ट तक की दे दिया हमें 73 मीटर 50 सेंटीमीटर फर्स्ट से लास्ट तक का 8 लैम्पों में से, और हमें किसी दो पोर्ट्स की बताना है, फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड के बीच की डिस्टेंस बताना है. यह मैं सॉल्व कर रही हूँ. द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोर्ट एंड द लास्ट पोर्ट इन फर्स्ट पोर्ट और लास्ट पोर्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 73 मीटर 50 सेंटीमीटर है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोर्ट्स प्लेस ऑन आफ्टर द अदर, तो हमें क्या बताना है, एनी टू किसी भी दो, वो 8 जो दिए हैं उसमें से किसी भी दो पोर्ट की क्या बताना है हमें, प्लेस बताना है. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, 73 मीटर 50 सेंटीमीटर. उनका डिवाइड कर 7 में. 7 में क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं इसका, क्योंकि देखो क्या बोला है, 8 लैंप रखे है ना, 8 लैंप रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, आपको उसको रफ साइड में करना अगर समझना हो तो, और नहीं भी करोगे तो चलेगा. यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, 8 है बट हमें क्या पूछा है, इनके बीच की स्पेस पूछी है, जगह पूछी है. अगर 8 चीज़ें रखी है यहाँ पर तो इनके बीच के दो, किसी दो के बीच की स्पेस बतानी, जैसे इन दोनों के बीच की बता दो, इन दोनों, इन दोनों, इन दोनों, इन दोनों, किसी के बीच की स्पेस. देखो यहाँ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रही है, मतलब 7 आ रही है हमारी, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे. तो अब आपको 7 से इसको डिवाइड करना है. यहाँ रफ में मैं करके बता रही हूँ, 7 डिवाइड बाय 73 मीटर 50 सेंटीमीटर. ओके, 7 का टेबल से करेंगे हम, 7 के टेबल में 7 वन टाइम आता है बट ये 3 नहीं आता, तो मैं इसको 10 टाइम में करती हूँ, 70. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये तो क्रॉस हो जाएगा और 3 ऐसे कि ऐसे आ जाएगा. ठीक है, ऊपर से 50. अब 7 के टेबल में मैंने 7 से क्यों डिवाइड दिया है, क्योंकि देखो क्या बोला है उसमें कि 8 लैंप है. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जैसे ये 8 लैंप मैं यहाँ बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें क्या बोला है, जो 8 लैंप्स है उनके बीच की फर्स्ट से लेके लास्ट तक की स्पेस दी हुई है ना, इनके बीच की जो स्पेस है
वो दी हुई है, तो हमें एनी टू किसी भी दो की स्पेस बताना है, किसी भी टू की स्पेस बताना है, सिर्फ टू के बीच की स्पेस, तो या तो इसके बीच की या इन दोनों के बीच की या इन दोनों के बीच की, किसी की भी आप बीच की स्पेस बता सकते हो। ठीक है, तो स्पेस कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी हो रही है, 7। लैंप 8 है बट स्पेस कितनी है, 7। तो मैं 7 से इनको डिवाइड कर रही हूँ। अब मैं इसे रफ में आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 7 से मैंने डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप भी इसे रफ साइड में ही सॉल्व करें। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, 1 टाइम में 7 माइनस करा क्रॉस, है ना, पूरा कट गया तो क्रॉस लगा दिया। अब ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे, 3। पॉइंट है, पॉइंट को हम अभी ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट डिजिट उतारेंगे हम। ठीक है, तो 7 के टेबल में 3 आते हैं, नहीं, 3 से छोटा भी कुछ नहीं आता क्योंकि 3 ऑलमोस्ट छोटा है ना, तो एक डिजिट और नीचे उतारेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि एक डिजिट उतार दिए और हमें दूसरे डिजिट उतारना है, उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा, ये रूल है। यहाँ 0 लगाया, फिर 5 उतारेंगे। ठीक है, 7 के टेबल में 35 आते हैं, हाँ, कितने टाइम में आते हैं, 5 टाइम में 35 माइनस कर लेंगे 5 में से 5, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 का रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब लास्ट 0 बचा है, तो 0 को हम नीचे उतारेंगे, बट 7 से हम 0 को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 0 बहुत छोटे डिजिट है, 7 के टेबल में नहीं आती है और आगे कोई डिजिट भी नहीं बची है, इसलिए जो 0 रिमाइंडर बचा है वो हम ऊपर पुट कर देंगे इसे। ठीक है, और ये देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो हमें भी यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट लगा है यहाँ पर, तो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था, वैसे 2 डिजिट के बाद हम मीटर लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे।